सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसके बढ़ते संक्रमण को देखने के बाद सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था। इसके पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं वो भी सामने आए लॉकडाउन के, और संक्रमण का दर बहुत तेजी से घटा। लेकिन कुछ लोग इसमें पलीता लगाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, बिहार में अभी भी लॉकडाउन लागू है, यानी कि लॉकडाउन 4 चल रहा है और दिन में 2 बजे तक ही दुकानें खुली रहती हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि पटना में बुद्धिजीवी कहा जाने वाला तबका भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने में लगा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में, जहां रात के 2 बजे एक होटल में पार्टी की जा रही थी। जी हाँ, रात के 2 बजे। दरअसल पटना पुलिस के बुद्धा कॉलोनी थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि देर रात एक होटल में पार्टी की जा रही है। पुलिस ने करीब 2 बजे अपने इलाके के एक होटल में छापेमारी की तो पुलिस भी हैरान रह गई। होटल में बर्थडे पार्टी के नाम पर एक और जहां शराब की पार्टी चलाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर डांसरों ने अपने डांस का जलवा दिखाया वहां पे। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वाले ये लोग और कोई नहीं, राजधानी पटना के पढ़े लिखे हैं तबका, ये पढ़ा लिखा तबका है। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए पीएमसीएच भेजा है। पकड़े जाने वाले में छपरा के बड़े डॉक्टर का बेटा भी शामिल है। पुलिस ने इन सभी के पास से लाइसेंसी पिस्टल भी जब्त किया है, पिस्टल भी मिला। बहरहाल, कानून की गिरफ्त में आ चुके इन सभी लोगों के खिलाफ बुद्धा कॉलोनी थाने में केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। ये पहला मौका है जब लॉकडाउन के दौरान राजधानी पटना में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।